ये अगर आप देख रहे हैं तो शायद आप दूध पीना बंद कर देंगे, क्योंकि भरूच के इस वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि देश के रोजाना 50 करोड़ लीटर दूध की जरूरत कैसे पूरी की जा रही है। तो अगर अपनी व अपने घर वालों की जान की सलामती चाहते हैं तो शेयर कीजिए ये वीडियो, पर पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद ही। ये वीडियो भरूच के इंडस्ट्रियल एरिया से लीक हुई है, जहां एक मिलावट करने वाले के खिलाफ नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री के ही एक मजदूर ने बगावत कर दी है, जिसकी वजह से ये क्लिप व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से वायरल हो रहा है। तो किस तरह बनाया जा रहा है ये नकली दूध, गौर से देखिए। इसके हाथ में एक कांच की शीशी है जिसमें कोई चाशनी नुमा केमिकल भरा है। ये शीशी या तो गर्म है या तो इसमें इतना घातक रसायन है कि ये शख्स उसे चिमटे से पकड़े हुए है, सीधे हाथ में ले भी नहीं रहा है। वहीं जैसे ही थोड़ा सा केमिकल गिलास में डाला जाता है, दूसरा व्यक्ति उस शीशी को सावधानी से लेकर हटा दे रहा है। सोचिए कितना खतरनाक केमिकल होगा वह। फिर उसमें पानी मिलाया जाता है और नकली दूध तैयार। ये बात तो कंफर्म है कि देश में 50 करोड़ लीटर से अधिक उपज गायों और भैंसों से तो नहीं होती, और ये वीडियो देख प्रूफ भी हो रहा है कि किस तरह होती है। आज हम आपको असली और नकली दूध में फर्क करने का सीधा और सरल तरीका बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपका दूध इन 5 टेस्ट में पास होना चाहिए। टेस्ट 1, सिंथेटिक दूध की पहचान करने के लिए उसे सूंघे। अगर उसमें साबुन जैसी गंध आती है तो इसका मतलब है कि दूध सिंथेटिक है, जबकि असली दूध में कुछ खास गंध नहीं आती है। टेस्ट नंबर 2, असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है। टेस्ट नंबर 3, असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लगता है। अगर हम असली दूध को उबालें तो इसका रंग नहीं बदलता, वहीं नकली दूध उबालने पर पीले रंग का हो जाता है। टेस्ट नंबर 4, असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, वहीं नकली दूध को अगर आप अपने हाथों के बीच रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। टेस्ट नंबर 5, दूध में पानी की मिलावट की जांच करने के लिए किसी चिकनी लकड़ी या पत्थर की सतह पर दूध की 1 या 2 बूंद टपका कर देखिए। अगर दूध बहता हुआ नीचे की तरफ गिरे और सफेद धार से निशान बन जाए तो दूध शुद्ध है। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और बचाइए अपनी सेहत और अपने बच्चों की जान। धन्यवाद।